हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एनसी वेब की ओर से फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। सभी कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इस विंडो पर आने के बाद में अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें आप लोगों को सबसे पहले आपका कॉलेज नेम सेलेक्ट करना है, इसके बाद में आपको एग्जामिनेशन सेशन आपका ये सेलेक्ट करना है, इसके बाद में आपको आपका रोल नंबर जो है एग्जामिनेशन रोल नंबर वो फिल करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, और इसके बाद जो भी कैप्चर आपको ये दिखाई दे रहा है आपको सिंपली क्या करना है, इस जगह पर आपको नीचे फिल कर देना है। जैसे आप इस पर कैप्चर फिल करोगे इसके बाद में आपको प्रिंट स्कोर करना है और आपका रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, ये मेनली मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो तो शायद आपको ना पता हो कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि उनके रिजल्ट में आर ए लिखा आ रहा है, यानी इसका मतलब है रिजल्ट अवेटेड या तो अपसेंट आ रहा है, तो वो अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे डायरेक्टली या अपने जो भी डिपार्टमेंट है उससे 10 दिन के भीतर ही वो कॉन्टैक्ट करें। नहीं तो उसका जो रिजल्ट है वो जो भी शो हुआ है अगर उस एग्जाम पर अपसेंट आ रहा है तो उस पर उसकी ER आ जाएगी और अगले साल उनको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। सो गाइज, आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए यही थी। आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और मोर वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।